हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इन ट्रेंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, फाइंड कॉस एंगल ABC। तो चलिए फ्रेंड, पहले यहाँ पर एक ट्रेंगल बना लेते हैं। तो ये हमने ABC एक ट्रेंगल बना लिया है। देखिए, क्वेश्चन में दिया है AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब AB जो है 15 सेंटीमीटर है और AC भी 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें इस ट्रेंगल में टू साइड इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलिस ट्रेंगल है। आगे देखिए, क्वेश्चन में दिया है BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो BC इक्वल टू यहाँ पर 18 सेंटीमीटर दिया है, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पर cos एंगल ABC इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, हमें एंगल B वाला लेना है, तो ये हमने एंगल B वाला लिया है। देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो एंगल A है, इस एंगल A से इसकी अपोजिट साइड मतलब BC पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जब हम यहाँ से एंगल ए से साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जो साइड बी सी है ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ एंगल ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बी सी साइड पे। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब जहाँ पर इसने बी सी को बाइसेक्ट किया है, इसे मैं पॉइंट डी लेट कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर से मैंने अभी आपको बताया, जब इसके एंगल ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड बी सी पर, तब बी सी वाली साइड जो है ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब जो यहाँ पर से ये पूरी साइड जो थी बी सी ये 18 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर जो बी डी हो जाएगी ये 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो ये 9 सेंटीमीटर की हो गई। अच्छा, अब हमें देखिए एंगल बी वाला लेना है, तो एंगल बी के सामने वाली ठीक साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखिए, जो एंगल डी है यहाँ पर से, ये इसके अपोजिट मतलब ये वाली सामने, इसके सामने जो साइड है सबसे बड़ी साइड, ये हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, तो इसे लिख देंगे। और जो नीचे वाली साइड है ए बेस हो जाएगी। तो अब हम लोग ट्रेंगल यहाँ पर ABD इसमें देखेंगे। तो चलिए, अब देखिए, हमें यहाँ पर cos एंगल ABC की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए इस ट्रेंगल ABD में हमें हाइपोटेन्यूस पता है और बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर पता करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हाइपोटेनस 15 है और बेस 9 है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे आकर के। चलिए, तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, हाइपोटेनस की जगह पर 15 और बेस की जगह पर 9 पुट कर दिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब यहाँ पर 15 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर करके लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 225 आ जाएगा। माइनस लगा तो मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख लिया है मैंने 81। अब 225 में से 81 माइनस कर देंगे अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर 144 बचेगा। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि 144 जो होता है 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 12 पे मैंने स्क्वायर लगा करके लिख लिया है। अब ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो इस प्रकार यहाँ पर जो इसके परपेंडिकुलर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मैंने 12 फाइंड कर लिया है। तो फ्रेंड अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं, तो नोट डाउन कर लें, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना था, तो मैंने फाइंड कर लिया, जो कि 12 आ गया है। तो चलिए फ्रेंड, अब देखिए हमें cos एंगल ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, cos के लिए हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इक्वल लगाएंगे। देखिए बेस इसका 9 है, तो 9 रख देंगे। और देखिए, और हाइपोटेन्यूस देखिए 15 है, तो नीचे 15 रख देंगे। अब देखिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 3 जा 9 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। तो इस प्रकार ये 3/5 आ जाएगा।
तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में हमसे कॉस एंगल एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कह रहा था। तो ये हमने कॉस एंगल एबीसी की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 3/5 है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।